हम डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल है यहाँ पे हमारे पास, ये फिगर में ये फिक्स पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए इज वर्टिकली अबव बी एज शोन इन द फिगर। अ पार्टिकल बी ऑफ मास 0.7 केजी इज अटैच्ड टू ए। पार्टिकल बी है और इसका मास 0.7 केजी है। साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। पी इज ऑल्सो अटैच टू बी बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2.5 मीटर। 2.5 मीटर है और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये 3 मीटर है। पी इज मेंटेन इन इक्विलिब्रियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ये 2.4 मीटर है ये लेंथ, ये वॉल से इतनी दूर है। Both strings are taut and 10 newton force acts in the plane APB. APB में ये अटक रही है इसके और ये वॉल के क्या है परपेंडिकुलर। तो हमारा टास्क यहाँ पे है कि हमने फाइंड करना है टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे ये टेंशन है हमारे पास T1 और ये T2। तो बेसिकली हमें T1 एंड T2 सॉल्व करने हैं, टेंशन फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग्स में। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसका नेम हम सपोज कहते हैं अल्फा और ये जो एंगल है ये बीटा। ये हमारे पास वहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल का जो मास है 0.7 kg। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, वेट इक्वल होता है एम जी के। तो 0.7 × 10 दैट इज 7 न्यूटन। तो वेट फाइंड आउट कर लिया, वेट भी एक फोर्स है इसलिए इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। अब हम ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसका नेम सपोज हम ये क्यू कह लेते हैं। तो ए क्यू की लेंथ और क्यू बी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ए क्यू की लेंथ एंड क्यू बी की लेंथ। ए क्यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर्ड माइनस क्यू पी स्क्वायर्ड। ठीक है, ये हम ट्राइंगल ए क्यू पी को कंसिडर कर रहे हैं। ए क्यू पी, तो ए क्यू इक्वल आ जाएगा। अब ए पी की लेंथ है हमारे पास 3 स्क्वायर्ड, क्यू पी की लेंथ है 2.4, तो 2.4 स्क्वायर्ड एंड स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगी ए क्यू की लेंथ 1.8 मीटर। तो अब यहाँ से हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं। साइन अल्फा एंड कोस अल्फा वो आगे यूज़ होंगे हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में। कोस अल्फा इक्वल आ जाएगा 2.4 / 3, दैट मीन्स 24/30, दैट मीन्स 4/5। सिमिलरली साइन अल्फा फाइंड आउट करते हैं। साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा, ये लेंथ हमारे पास ए क्यू की 1.8 आ चुकी है, 1.8/3 दैट मीन्स 18/30, दैट मीन्स ये 3/5। अब इसी तरह हम क्यू बी फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ क्यू बी। तो ये 2.5 है, ये 2.4 है, तो क्यू बी के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे क्यू पी बी। क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर। तो क्यू पी इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी बी स्क्वायर, मीन्स 2.5 स्क्वायर माइनस 2.4 स्क्वायर और ये साइज की वैल्यू आ जाएगी 0.7। अब हम कॉस बीटा और साइन बीटा फाइंड आउट करते हैं।
cos बीटा यहाँ पे आ जाएगा, cos बीटा इज इक्वल टू 2.4 और 2.5, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज को यूज करके ये बन जाएगा 24/25। सिमिलरली साइन बीटा भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन बीटा क्यूबी अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 0.7, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 2.5 है, तो साइन बीटा की वैल्यू 7/25। तो कॉस अल्फा 4/5, साइन अल्फा 3/5, कॉस बीटा 24/25 एंड साइन बीटा 7/25, ये हमने फाइंड आउट कर लिए और ये हमारे यूज होंगे इस प्रॉब्लम में। T1 फोर्स ये PA के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, ये अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो इसकी ये T1 cos अल्फा और T1 sin अल्फा, T1 sin अल्फा अपवर्ड एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर T2 फोर्स को हम रिजॉल्व करें तो ये T2 cos अल्फा और T2 cos बीटा एंड T2 sin बीटा ये ऐड करें, T2 sin बीटा डाउनवर्ड ऐड करेगा। और डाउनवर्ड में हमारे पास एक फोर्स 7 न्यूटन जो कि वेट ऑफ द पार्टिकल पी है वो भी ऐड करिए, और पार्टिकल पी हमें पता है कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली भी इक्विलिब्रियम में होगा और वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को यानी कि पैडल फोर्सेस को, जो हॉरिजॉन्टल के पैडल हैं उसको हम देखते हैं, और हमें पता है कि राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस होती हैं, तो इसको हम यूज करते हैं। लेफ्टवर्ड फोर्सेस हमारे पास होंगी T1 cos अल्फा एंड T2 cos बीटा, T1 cos अल्फा प्लस T2 cos ऑफ बीटा, और राइट में हमारे पास एक ही फोर्स है 10 न्यूटन की फोर्स, तो 10 न्यूटन लगा लेते हैं यहाँ पे। T1 cos अल्फा cos बीटा ये हमने फाइंड आउट किया है, cos अल्फा है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 लिख लेते हैं। T2 cos ऑफ बीटा है 24/25, और हम प्लग कर लेते हैं ये इक्वल हो जाएगा 10 के। यहाँ से हम T1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं, T1 आ जाएगा 10-24/25 T2, और ये भी 5/4 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे 4/5 है तो उस साइड पे जाके 5/4 हो जाएगा। इस क्रियम को हम कोई नेम दे देते हैं, इसका सपोज नेम कहते हैं कि ये 1 है। इसी तरह वर्टिकल फोर्सेस को हम डील करते हैं, वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम है। अच्छा, वर्टिकली आप देखें कि ये T1 साइन अल्फा अपवर्ड एड कर रहे हैं और T2 साइन बीटा डाउनवर्ड एड कर रहे हैं, इसी तरह 7 न्यूटन की फोर्स भी डाउनवर्ड एड कर रहे हैं, तो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू T2 साइन बीटा प्लस 7, T1 साइन अल्फा इसकी वैल्यू 3/5 है तो ये आ जाएगा 3/5, T2 साइन बीटा की वैल्यू 7/25 है, 7/25 प्लस 7, और T1 को यहाँ से सब्जेक्ट बना लेते हैं, 3/5 राइट पे ले जाते हैं, राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5/3 बन जाएगा, तो आ जाएगा 7/T2/25 प्लस 7, इसको हम इक्वेशन 2 का नेम देते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम कंपेयर करते हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2 को भी कंपेयर करेंगे, 1 में भी T1 को सब्जेक्ट बनाया हुआ है
और इक्वेशन टू में भी T1 सब्जेक्ट बना हुआ। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, या जाएगा 5/4 टाइम्स 10 माइनस 24/25 T2 इज इक्वल टू 5/3 7 T2 ओवर 25 प्लस 7। ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 5 5 तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, और 3 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 10 माइनस 24/25 T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 72/25 प्लस 7। और इसको फर्दर हम सारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 T2 इज इक्वल टू 0.4 और T2 इज इक्वल टू 0.5। T2 हमारे पास 0.5 न्यूटन आ जाएगी। T2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लग कर लेते हैं, तो T1 हमारे पास आ जाएगा 5/3 इंटू 72/25 और T2 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है ओवर 25 प्लस 7। ये सारा हम सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू 11.9 न्यूटन आ जाएगी। तो इसी तरह हमने T1 और T2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। T2 आ गया 0.5 न्यूटन और T1 आ गया 11.9 न्यूटन।